ब्रेगर जो मेंडल थे उन्होंने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दे दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, पी प्लांट ले लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पी प्लांट का ज़्यादातर जो आप 10th स्टैंडर्ड है उसमें इसका जो बायोलॉजिकल नेम है पी प्लांट का, बॉटनिकल नेम जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो पूछ लेते हैं पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम और वी कैन से साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सैटिवम। तो ये ले लिया, ठीक है। उसका एक्चुअली में एक बार अपने गार्डन में घूम रहा था और उसका ऐसे कोइंसिडेंटली उसका ध्यान चला गया कि भाई उसने देखा कि भाई ऐसे कैसे कि भाई मेरे गार्डन में अलग अलग तरह के कोई ग्रीन मटर लगी हुई है, तो कोई थोड़ी सी पकी हुई येलो कलर की है, कोई छोटा प्लांट है, कोई बड़ा प्लांट है, मतलब वो चीज़ जो चेंज था, जो वेरिएशन है उसको उसने कैप्चर कर लिया, उसकी आईज उसको कैप्चर कर गई, अट्रैक्ट किया। और तब उसने क्या कर लिया, वही ले लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वही प्लांट ले लिया। पहले उसने जो कैरेक्टर्स थे मतलब जो वो कई सारे ले थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसलिए क्योंकि उसने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 पेयर्स लिए थे। अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते क्या है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड्स कि भाई लंबा छोटा, मोटा पतला, काला गोरा, करेक्ट। तो इस तरह से दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कि उसने 7 पेयर्स ले लिए किसके, पी प्लांट के, कि एक अगर मटर का दाना ग्रीन है तो एक येलो है, एक जो उसकी जो फ्लावर का कलर है वो रेड है या वाइट है, जो प्लांट है वो छोटा है या लंबा है, ड्वार्फ है या टोल है, इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए। तो वो 7 पेयर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि वो 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे जो पी प्लांट के मेंडल ने लिए थे, करेक्ट। तो एक तो उसने कलर का ही ले लिया था, कलर का ले लिया था, एक उसने हाइट का ले लिया था, एक उसने जो पोड का कलर था वो ले लिया था, एक प्लांट का कलर ले लिया था, करेक्ट। और एक उसने ले लिया था जो सीड का साइज था, ठीक है। एक कलर तो सीड का ले लिया, एक पोड का कलर ले लिया, एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया, करेक्ट। और एक तुम्हारा जो प्लांट है तुम्हारा, मतलब ये टोटल कितने थे, कलर का हो गया किसका, ये पोड का कलर हो गया, और एक हो गया हाइट का, और एक हो गया तुम्हारा सीड का कलर, और एक हो गया तुम्हारा एक्सियल, मतलब जो पोजीशन थी पोड की, ठीक है। और उसके अलावा एक कैरेक्टर हो गया किसका, तुम्हारे प्लांट की जो गर्थ थी, थिकनेस, उसका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक हो गया हमारा प्लांट का जो एक्सिस था, प्लांट का एक्सिस, ठीक है। और एक, अच्छा ये तो हो गया, एक हो गया प्लांट के फ्लावर का कलर, ठीक है, और एक हो गया फ्लावर एक्सिस। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, करेक्ट। कलर पोड का, हाइट हो गई प्लांट की, एक्सिस हो गया किसका, फ्लावर का, और एक पोड का हो गया, एक सीड का कलर हो गया, एक प्लांट की दिखने से हो गई, और एक प्लांट का फ्लावर किस कलर का है वो हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लेने के बाद उसने क्या किया, उसने इनको प्योर बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इन जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उनके लिए उसने प्योर पेरेंट्स ले लिए। प्योर पेरेंट्स का मतलब क्या है, कि प्योर पेरेंट्स का मतलब है कि अगर कोई टोल है तो प्योरली टोल है, और अगर कोई ड्वार्फ है तो प्योरली ड्वार्फ है। तो ये कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, उसके लिए उसने क्या किया, जो प्योर पेरेंट्स थे उसके लिए उसने टोल की, टोल से ही कराई बार बार क्रॉसिंग, मतलब जो पेरेंट्स थे वो सेम ले लिए, सेम पेरेंट्स, मतलब टोल के लिए टोल मदर और फादर ले लिए, और ड्वार्फ के लिए कैरेक्टर के लिए ड्वार्फी मदर ड्वार्फी फादर। तो अगर हम लोग सेल्फ कराए जाते हैं ना बार बार तो हमारे पास प्योर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके पास अगर टोल है तो कंप्लीटली टोल है, मिक्सिंग नहीं है उसमें जीन्स की, ठीक है। तो प्योर कैरेक्टर्स ले लिए उसने, और उसके बाद ध्यान देना उसने क्या किया, प्योर कैरेक्टर्स ले लिए, ठीक है, मतलब ये चीज और ये चीज, ठीक है, ये उसने सेल्फ करा के लिए। अब ये चीज़ क्या है, ये जो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है,
दीज आर द जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, मतलब अगर मेरी अगर मैं लंबी हूँ या अगर मैं छोटी हूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जीन्स, जीनोटाइप, जो जेनेटिक मेकअप होगा। ठीक है, अगर मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ या मैं गोरी हूँ या मैं काली हूँ, मेरे बाल लंबे हैं घुराले हैं, मेरा रंग गोरा काला है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर या किसके वजह से आएगा, जीनोटाइप की वजह से। और ये जीनोटाइप की वजह से जो कैरेक्टर है, मतलब मैं जिस तरह की दिखती हूँ, मेरा फिनोटाइप, मेरा फिजिकल अपीयरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो इस जीनोटाइप के लिए जो फिनोटाइप था, इनके लिए कैसा था? टॉल। और इसके लिए कैसा था? ड्वार्फ। मतलब ये लंबा था किसकी वजह से? इस जीनोटाइप, इस जीन्स की वजह से। और ये ड्वार्फ था किसकी वजह से? इस जीनोटाइप की वजह से, करेक्ट। अब उसने इन जीनोटाइप जो ले लिया, जो पेरेंट्स थे ये ले लिए प्योर वैरायटी को, उसके बाद इनकी करा दी क्या? क्रॉस। तो ये क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस कराते हैं। अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस कराने की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। तो हमारे पास हाइब्रिड आया, ये जीनोटाइप आया। लेकिन उसका फिनोटाइप उसने क्या बताया? उसका फिनोटाइप होता है टोल। ये क्या चीज है भाई? इसमें जीन्स तो इसका भी था, टोल का भी, और इसमें जीन ड्वार्फ का भी था, तो हम तो इसको इंटरमीडिएट बोलना चाहिए ना, इसको हमने टोल क्यों बोला? मतलब कैरेक्टर जो है वो एक ही पेरेंट का क्यों आया? इस चीज के लिए उसने लॉ दिया, ये जो चीज उसने समझाई ना ये वाली, उसके लिए उसने ये कहा कि भाई यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस कि हमेशा दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक का ही कैरेक्टर अपीयर होता है, जिसको उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया। और जिसका कैरेक्टर छुप गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट्स द रिसेसिव जीन। जिसका कैरेक्टर हाइड हो जाता है वो क्या उसने बोला? वो रिसेसिव होता है। और जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है उसको उसने क्या बोला? डोमिनेंट। मतलब कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल टी इज अ रिसेसिव जीन। बात क्लियर है भाई?